हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यहाँ पर संस्कृत विषय के अंतर्गत ग्रामर्स में समास प्रकरण के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने समास आपको बताएं और उसमें मैंने आपको समास की परिभाषा बताई, उसके अलावा समास के विभिन्न भेदों के बारे में भी आपको बताया। इस वीडियो से पहले हम समास के तीन भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम समास का जो चौथा भेद है हमारा कर्मधारय समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने यहाँ पर कर्मधारय की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो लिखी हुई है। आप पढ़ें कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। सबसे पहले तो आप इस डेफिनेशन को समझ लें, जिससे कि आपके कर्मधारय के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, तत्पुरुष समानाधिकरण और कर्मधारय, यानी कि तत्पुरुष के समानाधिकरण कर्मधारय होते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि यार ये तत्पुरुष समानाधिकरण ये वर्ड क्या है, तो तत्पुरुष समास का एक भेद है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसमें आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा कि तत्पुरुष समास जिसमें हम विभक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं या समास विग्रह करते हैं, जैसे कि तत्पुरुष प्रथमा, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, तो इस प्रकार से हम विभक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। बट कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि जब दोनों पदों में समान विभक्ति आ जाए तब हम क्या करते हैं, तो उस समय समानाधिकरण का मतलब यही होता है कि दोनों पद में समान विभक्ति होने पर, तत्पुरुष के दोनों पदों में समान विभक्ति होने पर कर्मधारय समास होता है। तो ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। अब कर्मधारय समास को हम पहचानते हैं, उसकी आइडेंटिफाई किस रूप में करते हैं, कि पहला तो हमने देखा कि तत्पुरुष के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, वो कर्मधारय होता है। इसकी एक दूसरी पहचान और है कि अब आपने देख लिया कि दो पद होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। दूसरा, इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अब विशेषण कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम जो हम जिसके बारे में भी बता रहे हैं या जिसकी भी विशेषता बता रहे हैं वो उसकी विशेषण हो गया या उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, उसके बाद इसका पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वह समास कर्मधारय समास के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आपको कर्मधारय की पहचान समझ में आ गई होगी कि जब भी आप किसी कर्मधारय समास की खोज करेंगे तो आपको देखना है कि दोनों पद समान विभक्ति के हैं, फिर उसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। तो ये दोनों चीज़ अगर आपने देख ली, पहचान ली, तो वह आपके 100% कर्मधारय समास होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, नीलम कमलम। अब देखिए, नीलम शब्द और कमलम शब्द दोनों में प्रथमा विभक्ति है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों पदों में समान विभक्ति है। फिर नीलम शब्द यानी कि नीला, कमलम यानी कि संज्ञा, ठीक है, तो नीलम जो है वो विशेषण है किसकी, इस कमल की, यानी नीला जो कमल है वो इस आधार पर नीलम कमलम यानी नीला कमल, नीले कलर का कमल, ठीक है। तो इस आधार पर हमने देखा कि नील कमलम में कर्मधारय समास है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पीताम्बर पीत अम्बरम, यानी कि पीला अम्बर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा, तो पीतम अम्बरम, ठीक है, यानी कि पीला वस्त्र, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, यानी पुरुष सामान्य होते हैं लेकिन जो वीर है, जो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, अपना साहस दिखाते हैं, तो उनके लिए वीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और उस पुरुष की विशेषता क्या बता रहा है, वीर, तो इस आधार पर वीर पुरुष ये भी कर्मधारय समास है। महापुरुष यानी पुरुष महान है, महान उसकी विशेषता हो गई। मुखम कमलम, कमल के समान मुख, यानी मुखड़ा कैसा है, चेहरा कैसा है, कमल के समान है,
उसी तरह से उन्नत वृक्ष, उन्नत का मीन्स होता है ऊंचा, वृक्ष तो सामान्य होते हैं लेकिन ऊंचाई उसकी विशेषता है। तो इस आधार पर हमने कर्मधारय समास को देखा, समझा और पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समास के अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।